वाली है हमारी एक्सरसाइज. एंड फोर्थ क्वेश्चन इज गोना बी वेरी इजी. इट हैज फोर पार्ट्स, चारों पार्ट्स सेम. क्या है क्वेश्चन, क्या है ध्यान से रीड करो. आधा होता क्वेश्चन कई बार गलत हो जाता है. क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, एंड इफ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली. कंसिस्टेंट का मतलब या तो यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, दोनों ही कंसिस्टेंट की कैटेगरीज में आते हैं, राइट. एंड इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन. तो वो बोल रहे हैं कि अगर कंसिस्टेंट है, पहले तो चेक करो कि वो कंसिस्टेंट का केस है या नॉन कंसिस्टेंट का केस है, और अगर कंसिस्टेंट का केस है तो उसको ग्राफिकली सॉल्व करो, अगर इनकंसिस्टेंट का केस है देन नो नीड टू सॉल्व इट फर्दर. ऑलराइट, तो चलो जी पहले चेक करते हैं कि कंसिस्टेंट का केस है पहले पार्ट में या इनकंसिस्टेंट का केस. तो ये है मेरी दो इक्वेशंस. सबसे पहले मेरा, मैं क्या बोलती हूँ हमेशा कि हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे जस्ट टू अवॉइड एनी मिस्टेक. या हमारी सिंपल सादी इक्वेशंस, ठीक है. अब a1 क्या है मेरा, x के साथ वाला विच इज 1, b1 है मेरा y के साथ वाला, और c1 है मेरा कांस्टेंट टर्म, ठीक है. a2 मेरा क्या है 2, b2 क्या है 2 y के साथ वाला, एंड c2 क्या है अगेन द कांस्टेंट टर्म, ठीक है. चलो जी, a1 अपॉन a2 निकाला विच इज 1/2, b1 अपॉन b2 निकाला अगेन 1/2, यानी ये यूनिक सॉल्यूशन का केस तो है ही नहीं क्योंकि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल आ गया. तो दैट मींस हमें c1 अपॉन c2 भी निकालना पड़ेगा चेक करने के लिए कि ये इक्वल है या नहीं इसके. तो ये भी हमारा 1/2 आ रहा है, यानी ये कौन सा केस हुआ, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का. दैट मींस ये कंसिस्टेंट हो गया. क्या हो गया, कंसिस्टेंट, क्योंकि ये कौन सा केस है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का. और अगर ये कंसिस्टेंट है तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा ग्राफिकली, और ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, ठीक है ना. तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई तो पुट करते हैं वैल्यूज. एक्स की जगह अगर हम पुट करते हैं 0, तो वाई क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा. एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो वाई क्या आएगा, 5-1 विच इज 4. एक्स की जगह 2 पुट करेंगे तो वाई क्या आएगा, 3, ठीक है. चलो नेक्स्ट वाली वैल्यूज, फिर से हम वाई को यहां पर 0 पुट कर देते हैं. ये वाली तो हम 0 हो गई है ना, तो 2x = 10, यानी x = 10/2 विच इज 5. कैसे करा मैंने, 2x + 2y = 10, मैंने y को 0 पुट किया तो ये तो चला गया, तो 2x = 10, यानी x = 5, ठीक है. आगे चलते हैं. अब हम क्या करते हैं, x को हम 0 पुट कर देते हैं. अगर x 0 है तो y 5 आ जाएगा, ठीक है. चलो और देखते हैं, अगर हम y को 2 पुट कर देते हैं y को हमने 2 पुट किया तो क्या होगा, 2x + 2 × 2 = 10, यानी 2x + 4 = 10, यानी 2x = 6, x = 3. ये आ गया, ठीक है. चलो प्लॉटिंग करते हैं. ये रही हमारा x एक्सिस और y एक्सिस, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4. चलो और एक हमने 5 ले लिया. 0 पे क्या है हमारा, 5, 0 और ये 5, तो ये हमारा हो गया 0 पे 5. चलो ये हो गई 0 पे 5. नेक्स्ट वाला क्या है, 1 पे 4, ठीक है, 1, 4 विच इज दिस, देन इट इज 2, 3, तो ये रहा हमारा 2, 3. तो इन तीनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करा और ये हो गई हमारी पहली वाली इक्वेशन, ठीक है, पहली वाली इक्वेशन की लाइन. सेकेंड है 5, 0, तो 5, 0 हो गई हमारी ये वाली 5, 0, देन इट इज 0, 5, 0, 5, फिर से ये, एंड देन इट इज 3, 2, 3, 2, ये 3, 2, तो ये रही हमारी 3, 2, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, ये 3, 2, ये 5, 0 और ये 0, 5, अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं तो फिर से वही वाली लाइन आ रही है. तो दैट मीन्स एक के ऊपर एक लाइन आ गई, तो इसका मतलब ये कौन सी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइंस, एंड इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. ऑलराइट, सो
So this is the representation of these equations graphically. Okay, now come to second part. सबसे पहले हम अपनी normal form में करते हैं equations को. Right hand side में जो भी है हम left hand side में ले आए और हमारी ये normal form आ गई. अब a1 क्या है x के साथ वाला, b1 क्या है y के साथ वाला and c1 क्या है constant term. इधर क्या है a2 क्या है 3, b2 क्या है minus 3 and c2 क्या है minus 16. Okay, now check it out. a1 upon a2 is equal to 1 upon 3. ठीक है, b1 upon b2 is minus 1 upon minus 3. That is, it is also 1 upon 3. तो that means a1 upon a2 और b1 upon b2 तो equal है. तो हमें आगे भी c1 upon c2 भी calculate करना पड़ेगा. तो c1 upon c2 क्या है? ये है minus 8 और ये है minus 16. That is, it is 1 upon 2. तो यानी ये केस कौन सा हुआ? ये केस हुआ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. That is, it is a case of no solution and no solution comes under the category of inconsistent. And if it is the case of inconsistent, then we need not to solve it further. क्योंकि इसमें तो solution आना ही नहीं है. और उन्होंने question में भी यही बोला कि if consistent, then only obtain the solution graphically. Otherwise, no. Okay? So that is it. b1 क्या है 1 and c1 क्या है minus 6. ठीक है, यहाँ पर a1 क्या है 4, b2 क्या है minus 2 and c2 क्या है minus 4. तो निकालते हैं a1 upon a2 सबसे पहले जो कि है 2 upon 4 यानी 1 upon 2 इन दोनों से. Sorry, this is a2. ठीक है, now b1 upon b2 यानी 1 और minus 2. ठीक है, equal आ रहे हैं नहीं आ रहे? That means c1 upon c2 निकालने की जरूरत है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि a1 upon a2 और b1 upon b2 ही इक्वल नहीं है. So it is a case of unique solution. और unique solution का मतलब consistent. तो that means इसको हमको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? Graphically. तो सबसे पहले हम बनाते हैं 2x plus y minus 6 is equal to 0 का सॉल्यूशंस, देखते हैं कि क्या आ सकते हैं. ठीक है, चलो जी, अगर हम y को 0 पुट करते हैं, हमने y को 0 पुट किया तो 2x plus 0 minus 6 is equal to 0. ठीक है, y 0 हो गया था. So 2x minus 6 is equal to 0 यानी 2x is equal to 6 यानी x is equal to 3. तो x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? 3. ठीक है, चलो अब हम x y की जगह पुट करके कोई इवन नंबर पुट करना. ठीक है, सो दैट हम इन दोनों को जब ऑपरेट करेंगे तो इवन नंबर आए ताकि वो 2 से डिविजिबल हो. ठीक है ना, तो अभी हम y की जगह क्या पुट करते हैं? 2 पुट कर देते हैं. चलो, y की जगह अगर हमने 2 पुट किया तो हमारा आ जाएगा 2x minus 4 is equal to 0 यानी 2x is equal to 4 यानी x is equal to 2. ठीक है, अब हम y की जगह क्या पुट करते हैं? 4 पुट कर देते हैं. y की जगह 4 पुट किया तो 2x plus 4 minus 6 is equal to 0 यानी 2x minus 2 is equal to 0 यानी हमारा x आ गया 1. ठीक है ना, तो ये हमारी हो गई 3 solutions इस वाली equation के. अब हम निकालते हैं दूसरी वाली equation के solutions, तो वो हमारे कैसे निकलेंगे निकालते हैं. चलो, ये है हमारी equation. चलो जी, स्टार्ट करते हैं. अब हम क्या करते हैं, किसी को भी जीरो पुट कर लो, चाहे एक्स को चाहे वाई को, किसको पुट करना देख लो. अगर मान लो मैंने वाई को जीरो पुट किया, अगर मैंने वाई को जीरो पुट किया तो मेरा आएगा ये यानी 4x is equal to 4 यानी x is equal to 1. ठीक है, चलो नेक्स्ट हम क्या पुट करें, x को जीरो पुट कर लेते हैं. अगर हम x को जीरो पुट करते हैं तो ये जीरो हो गया यानी माइनस 2y माइनस 4 is equal to 0 माइनस 2y is equal to 4. ठीक है ना, तो y is equal to माइनस 2. तो हमने क्या करा था, x को 0 पुट किया था और मेरा y आया माइनस 2. ठीक है, और क्या पुट करें बोलो? और हम पुट करते हैं x को, अगर हम पुट करते हैं 2 पुट करते हैं. चलो, x को हमने पुट किया 2 तो हमारा आएगा ये, है ना, 4 2 8
ये हो गया हमारा 8 माइनस 4 विच इज 4 और ये माइनस 2y चला गया उधर, तो y क्या आ गया मेरा 2, ठीक है, तो ये आ गया. तो दीज आर द थ्री सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन एंड नाउ वी आर गोना प्लॉट देम. प्लॉट करना कैसे करना है, चलो 0 1 2 3 4 1 2 3 -1 -2 -1 -2. चलो देखते हैं कहां कहां तक जाता है ये. 1 पे 0 दैट मींस ये वाली हो गई. 0 पे -2 ये हो गई वैल्यू, ये हो गया पॉइंट. 2 पे 2 ये हो गया पॉइंट. दैट इज 1 2 और 3, इन तीनों को अगर मैं ज्वाइन करूंगी तो ये होगी लाइन और इसके ऊपर मैं लिख देती हूँ कौन सी लाइन है, ये 4x - 2y - 4 = 0, ठीक है. नेक्स्ट है 3, 0, यानी ये रहा 3, 0. देन इट इज 2, 2. चलो जी ये तो कॉमन पॉइंट है, 2, 2 हो गया, 3, 0 हो गया एंड 1, 4 ये रहा 1, 4. 1, 2 और 3, इन तीनों को अगर मैं ज्वाइन करती हूँ तो ये रहा एंड दिस इज द इक्वेशन 2x + y - 6 = 0 एंड कॉमन पॉइंट इज 2, 2. सो 2, 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस, ठीक है बच्चों. चलो लेट्स स्टार्ट फोर्थ पार्ट. क्या है ये, a1 क्या है हमारा 2, b1 क्या है -2 एंड c1 क्या है -2, ठीक है ना. यहां पर a2 क्या है 4, b2 क्या है -4 एंड c2 क्या है -5, ठीक है. चलो a1 अपॉन a2 निकालते हैं विच इज 2 अपॉन 4, दैट इज 1 अपॉन 2. ऑलराइट, b1 अपॉन b2 निकालते हैं विच इज -2 अपॉन -4, दैट इज 1/2. यानी a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो इक्वल आ गए, हमें हमें c1 अपॉन c2 निकालना ही पड़ेगा. तो c1 अपॉन c2, c1 क्या है -2 एंड c2 क्या है -5, दैट मींस a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के तो इक्वल है लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है. सो दैट मींस इट इज अ केस ऑफ नो सॉल्यूशन एंड जो नो सॉल्यूशन का केस आता है वो होता है इनकंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में तो हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता है. सो वी कैन नॉट फाइंड एनी सॉल्यूशन और उन्होंने बोला था ग्राफिकली तभी शो करना जब कंसिस्टेंट वाला केस हो. सो नो नीड टू सॉल्व इट फर्दर, नो नीड टू शो हियर एनीथिंग. ऑलराइट, सो दैट इज इट. ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4. ओके बच्चों, नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 3 क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज व्हिच वी आर गोइंग टू डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. ऑलराइट, चलो बाय, थैंक यू.